बहुत शुक्रिया है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चला है उन तमाम लोगों को सम्मानित करने के लिए जो कि रियल हीरोज हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो कैसे उनका सफर रहा है, ये हमने जानने की कोशिश करी इन खास मेहमानों के जरिए। और ये भी जाना है कि आखिरकार क्या वो चैलेंजेस रहे हैं, उन चैलेंजेस को कैसे उन्होंने फेस किया, आगे आने वाले वक्त में उनकी क्या रणनीति है कि वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसको और बेहतर बनाया जा सके, युवा पीढ़ी को किस तरह से वो मोटिवेट करना चाहते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश इन खास मेहमानों के जरिए की है। और अब सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि कृपया करके मंच पर आए। और मनोज जोशी जी हमारे साथ पहले से ही मंच पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अंशुल अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं मैसूर डी परफ्यूमरी हाउस के, जोरदार तालियां होनी चाहिए अंशुल अग्रवाल जी के लिए। कृपया करके आप मंच पर आए। रियल हीरोज इसी तरह के होते हैं और ये खास जो एक क्षण बनाते हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी विनोद मिश्रा जी को जो कि एमडी हैं मिलेनियम इंफ्रा के। इसी के साथ ही मंच पर बुलाना चाहूंगी स्वप्निल मिश्रा जी को और अखिलेश जोशी जी को, खास ये मेहमान हैं और इनसे हमने बातचीत की है और ये भी जानने की कोशिश की है कि रियल एस्टेट जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वहां पर आखिरकार किस तरह से नवाचार किया जा रहा है, क्या वो कदम उठाए जा रहे हैं आने वाले वक्त में कि जो रियल एस्टेट है उसको और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि रियल एस्टेट वो एक क्षेत्र है जो लोगों को उनके सपनों का आशियाना देता है, सपनों का घर देता है, एक ऐसा घर जिसका हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सपना देखता है और सपने संजोता है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी विनोद मिश्रा जी को जो कि एमडी हैं मिलेनियम इंफ्रा के, और स्वप्निल मिश्रा जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, अखिलेश जोशी जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। कृपया करके मंच पर आए और जोरदार तालियां इनकी होनी चाहिए क्योंकि रियल हीरोज कुछ इसी तरह के नजर आते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो तालियां होनी चाहिए विनोद मिश्रा जी के लिए, एमडी हैं मिलेनियम इंफ्रा के, स्वप्निल मिश्रा जी और अखिलेश जोशी जी। और मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर घनश्याम राजपूत जी को जो कि डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं और बीजेपी लीडर हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से ये जुड़े हुए हैं। ये वो खास मेहमान हैं जो कि अपने समाज के लोगों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ विनोद मिश्रा जी अभी मंच पर हैं और ये मिलेनियम इंफ्रा से जुड़े हुए हैं जो कि डील करता है रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट लोगों को अपने सपनों का घर पहुंचाने में, उनका घर दिलाने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए विनोद मिश्रा जी के लिए। बहुत शुक्रिया है विनोद मिश्रा जी आपका। और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर घनश्याम राजपूत जी का जो कि सोशल वर्कर हैं, बीजेपी लीडर हैं और प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। जोरदार तालियां होनी चाहिए घनश्याम राजपूत जी के लिए क्योंकि ये समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, समाज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं और ये बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है कि अगर कोई परेशान है, कोई शोषित है, कोई वंचित है तो उसे हम मदद पहुंचाएं, खुले दिल से उनका स्वागत कर सके और कहीं ना कहीं उन्हें एक बेहतर स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी डॉक्टर घनश्याम राजपूत जी कर रहे हैं। तालियां होनी चाहिए इन रियल हीरोज के लिए। मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी पवन यादव जी को जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं देवांश धारा के। जोरदार तालियां होनी चाहिए पवन यादव जी के लिए और अनुरोध करूंगी पवन यादव जी कि आप भी मंच पर आएं और इनका भी मोमेंटो देकर के इनको भी कहीं ना कहीं जो काम ये कर रहे हैं उसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाए। तो पवन यादव जी फाउंडर एंड सीईओ हैं देवांश धरा के, संजना यादव जी को भी और प्रतीक यादव जी आप सभी मंच पर आइए और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए और कैसे आसानी से वो अपने आशियाने से जुड़ सके और किस तरह से मदद उनको पहुंचाते हैं वो काम करते हैं पवन यादव जी। अब मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर संजय सेठा जी, सेज यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए सेज यूनिवर्सिटी जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे पावर की बात करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, तो ये हर एक सेक्टर में डील कर रही है और कैसे जो आज का युवा है उसे
जोड़ रही है, उसे कहीं ना कहीं मजबूत बना रही है, सशक्त बना रही है आने वाले वक्त के लिए। और नवाचार भी लगातार सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जाते हैं, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर संजय सेठा जी के लिए जो कि जुड़े हुए हैं सेज यूनिवर्सिटी से। मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिनका आज जन्मदिन भी है, अजय हार्डिया जी का जो कि डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के, देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय हार्डिया जी के लिए, डायरेक्टर जो कि हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। देवी अहिल्या हॉस्पिटल जिस तरह से लोगों को बेहतर इलाज, बेहतर उपचार पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करता है और नवाचार भी लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कर रहे हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के जरिए। तो तालियां होनी चाहिए अजय हार्डिया जी के लिए जो कि डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। और लगातार ये जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, लोगों को कैसे स्वस्थ किया जाए और जिस तरह की परेशानी का वो सामना करता है, एक परिवार जो करता है जब उनके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उनको तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो तालियां होनी चाहिए अजय हार्डिया जी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुनील मालविया जी को जो कि फाउंडर है आरएनटी इंफ्रा के। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील मालविया जी का जो कि फाउंडर है आरएनटी इंफ्रा के और ये भी अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और हम भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कई सारी उपलब्धियों को हासिल करें। तालियां होनी चाहिए सुनील मालविया जी के लिए, फाउंडर हैं आरएनटी इंफ्रा के। तो आरएनटी इंफ्रा बेहतरीन कार्य कर रहा है, बहुत शुक्रिया है आपका सुनील मालविया जी हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और हम उन्हें लगातार सम्मानित करते हैं जो कि रियल हीरोज हैं और हीरोज वो होते हैं जो समाज को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। आगे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रशांत राजपूत जी को जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं प्रास सुपरमार्ट के और हाई ड्रीम ग्रुप के भी वो फाउंडर एंड सीईओ हैं। बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए प्रशांत राजपूत जी। और जिस तरह से चाहे तो हम बात करें ऑर्गेनिक फूड की या फिर रियल एस्टेट की, ये दोनों क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस तरह से अगर हम ऑर्गेनिक फूड को देखें आज कहीं ना कहीं मुझसे दूर होते जा रहे हैं लेकिन वो उसको समाज से जोड़ने का काम करते हैं। प्रशांत राजपूत जी जो कि प्रास हाई ड्रीम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, प्रास सुपरमार्ट से जुड़े हुए हैं और इनसे हमने जब चर्चा करी थी तो इनका ये कहना था कि लोग आजकल जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनसे दूर हो गए हैं लेकिन हम उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनुराग बोथरा जी को, डायरेक्टर हैं ओम नमकीन के। ओम नमकीन जो कि अपनी एक अलग पहचान, एक अलग स्वाद रखता है और यही स्वाद लोगों को जोड़ता है ओम नमकीन के जरिए और उनकी जो स्वच्छता है, जो स्वादिष्ट ये नमकीन होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए अनुराग बोथरा जी के लिए, डायरेक्टर हैं ओम नमकीन के। तालियां इनके लिए भी बजनी चाहिए और ये भी रियल हीरो हैं जो स्वाद के जरिए लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले मेहमान को मैं मंच पर लाना चाहूंगी, जोरदार तालियां आनी चाहिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी के लिए जो कि क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं आरोग्य होम्योपैथी के और 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो है वो WHO को सबमिट करेंगे और कैसे जो वो कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों को बीमारी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ये हमने जानने की कोशिश करी थी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से। और क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं होम्योपैथी के जरिए, लोगों को उन बीमारियों से दूर करने का ये कार्य कर रहे हैं जो बीमारियां कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक हैं, जानलेवा साबित होती हैं। आगे बढ़ूंगी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुमित पाठक जी को जो कि डायरेक्टर हैं क्रिएटिव मीडिया सॉल्यूशंस के। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुमित पाठक जी के लिए, डायरेक्टर हैं क्रिएटिव मीडिया सॉल्यूशंस के। तो सुमित पाठक जी ये भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी के जरिए और डायरेक्टर हैं क्रिएटिव मीडिया सॉल्यूशंस के। मैं अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, अगले मेहमान हमारे हैं मनीष गंगवाल जी जो कि डायरेक्टर हैं पीपी मार्केटिंग के। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए सुमित पाठक जी के लिए और ये क्रिएटिव मीडिया सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया है आपका सुमित पाठक जी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मनीष गंगवाल जी डायरेक्टर हैं पीपी मार्केटिंग के, आइए मंच पर और इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये वही लोग हैं
जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं, समाज को एक बेहतर जगह बनाने का काम करते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से मनीष गंगवाल जी के लिए। और अब मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी, सुनील गर्ग जी को, जो कि एमडी हैं श्री राम कम्युनिकेशंस के। जोरदार तालियां होंगी आपके लिए भी, और कृपया करके मंच पर आइए, इनको भी हम सम्मानित करेंगे। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ऐसे लोगों को सम्मानित करता है जो अपने काम के जरिए समाज को, देश को एक नई जगह, एक नई उपलब्धि देने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में से एक हैं सुनील गर्ग जी, जो कि एमडी हैं श्री राम कम्युनिकेशन के। उनको भी हम सम्मानित करते हैं क्योंकि ये वो रियल हीरोज हैं जो कि मध्य प्रदेश को एक नई पहचान, एक नई ऊर्जा देने का कार्य कर रही है। मैं अपने अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियां सुनील गर्ग जी के लिए। और अगले मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, राहुल, जो कि डायरेक्टर हैं पीएसपीएल एडवर्टाइजिंग के। जोरदार तालियां होनी चाहिए राहुल जी के लिए भी, जो कि पीएसपीएल एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर हैं। सर, आप भी मंच पर आइए, और आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी के जरिए, वो भी बेहद सराहनीय है और उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। तो जोरदार तालियां राहुल जी के लिए, डायरेक्टर हैं पीएसपीएल एडवर्टाइजिंग के। तो तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये तालियां ही लोगों के मनोबल को बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वो ऊर्जा देती हैं कि वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं आगे भी उसी तरह से कार्य करते रहे। मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी, विजय कालीधर जी को, जो कि डायरेक्टर हैं श्रीजन एडवर्टाइजिंग के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय कालीधर जी डायरेक्टर श्रीजन एडवर्टाइजिंग के, और ये भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और इनका कार्य भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उसकी सराहना करता है। जोरदार तालियां विजय कालीधर जी के लिए। मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी, निरंजन वर्मा जी को, जो कि ओनर हैं थिंकर्स एंड एनालाइजर्स के, और ये भी एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए निरंजन वर्मा जी के लिए। तो आगे मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी, आशीष जैन जी को, जो कि डायरेक्टर हैं एलआर एडवर्टाइजिंग के। जोरदार तालियां होनी चाहिए आशीष जैन जी के लिए, आप भी कृपया करके मंच पर आएं। और ये तमाम ऐसे लोग हैं, ये वो हीरोज हैं जिनसे आज हमने बातचीत करी है, जिनसे आज हमने जाना है कि वो जिस तरह से समाज में कार्य कर रहे हैं, वो आगे क्या नई सोच रखते हैं, आगे क्या नई ऊर्जा रखते हैं और समाज को एक बेहतर बनाने की जगह रखते हैं, बनाने की सोच रखते हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी इन खास मेहमानों के जरिए, आशीष जैन जी, जो कि डायरेक्टर हैं एलआर एडवर्टाइजिंग के। तो ये वो खास मेहमान थे जिनसे आज हमने बातचीत करी है, जानने की कोशिश करी है और ये समझने की भी कोशिश करी है कि आखिरकार ये जिस तरह से कार्य करते हैं वो कैसे एक समाज को बेहतर जगह बनाता है। और आज सम्मानित करने का वक्त अब उनको है जो कि हमारे खास मेहमान रहे हैं, हमारे साथ इस मंच पर जुड़े रहे हैं, मनोज जोशी जी को। मैं अनुरोध करूंगी मोहित सिन्हा जी को कि वो उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि एक बहुत ही खास कलाकार मनोज जोशी जी, और उनकी कई फिल्में हमने देखी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का की कोशिश हमने करी है, बहुत कुछ सीखने का प्रयास हमने किया है, और समाज में जो उनका योगदान रहा है अपनी कला के जरिए, वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा है, बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे कुछ सीख सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। जोरदार तालियां होनी चाहिए मनोज जोशी जी के लिए, जो कि आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहे, उन हीरोज से बातचीत करने की कोशिश करते रहे जो कि समाज को एक बेहतर जगह बनाने के प्रयास करते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इसी तरह से खास पेशकश आपके बीच लेकर के आता रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।